हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सपना भाटी फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेकंड चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश रीडर बुक, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। वी हैव रिसीव्ड मैनी गिफ्ट ऑन आवर बर्थडे, बट दिस चैप्टर इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज इन दिस चैप्टर अ गिफ्ट इज चप्पल्स। सो लेट अस बिगिन दिस। बिफोर हैंड, Medu, a young girl living in Madras, goes to Rukumani's house, who is Tapi's aunt. Medu, जो कि एक छोटी बच्ची है, वो मद्रास में रहती है, वो Rukumani के हाउस में जाती है, जो कि तापी की आंट है. There she meets Ravi, Lalli and Meera, the children of her age. Rukumani के घर में वो रवि, लल्ली और मीरा से मिलती है, जो कि उसी की एज के बच्चे हैं। रवि शोज हर अ किटन ब्रॉट बाय हिम फ्रॉम समवेयर। रवि उसे एक किटन दिखाता है, किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा, जो वो कहीं से लेकर आया होता है। लेटर ही डज समथिंग डैट मेक्स हिज मदर एंग्री। लेकिन बाद में वो कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे कि उसकी मदर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सो Now we are going to start this chapter. As soon as a smiling Rukumani threw open the door, Ravi and Meena came out. जैसे ही मुस्कुराते हुए रुकुमणि डोर खोलती है, रवि और मीना बाहर आ जाते हैं। रवि took Mridu into the house. रवि मृदु को घर में ले जाता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, सेट मृदु। मृदु रवि को कहती है, रुको, मुझे मेरे चप्पल उतारने दो, स्लीपर्स उतारने दो। शी पुट देम आउट नीटली नेक्स्ट टू अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वह उन्हें बहुत ही अच्छे से, बड़े काले जूते पड़े होते हैं, उनके पास में रख देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। जो स्लीपर्स मृदु ने पहने होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं और मिट्टी से भरे हुए होते हैं, धूल से भरे हुए होते हैं। वन कुड डिटेक्ट द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। कोई भी इन चप्पल पर आसानी से उंगलियों के निशान का पता लगा सकता है। द मार्क ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। दोनों पैर की जो बड़ी उंगलियां होती है, उसके जो निशान थे वो कैसे थे? लॉन्ग, लंबे और स्क्रॉनी थे। स्क्रॉनी मीन्स अनप्लीजेंटली थिन, ऑफन विद बोन्स शोइंग। इसका मतलब उसके निशान कैसे थे? पतले से निशान थे और उसके अंदर बोन्स के निशान दिखते हुए से थे। मृदु डिडंट गेट टाइम टू थिंक अबाउट हु स्लीपर देवर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। मृदु को ये सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि उसने जहाँ वो स्लीपर उतारे थे, उसके पास में जो स्लीपर पड़े थे वो किसके थे, क्योंकि रवि उसको क्या करता है, रवि उसको ड्रैग करता है। ड्रैग करना मीन्स जहाँ किसी को जबरदस्ती पकड़ कर कहीं पर ले जाना कहलाता है ड्रैग करना। तो वो उसको ड्रैग कर कहाँ ले जाता है? बैकयार्ड में। उसको ड्रैग करके बैकयार्ड में ले जाता है, जहाँ बैकयार्ड में एक थिक बिटर बेरी बुश के पीछे ले जाता है। थिक मतलब मोटा, बिटर कड़वा, बेरी बेर जो होता है उसकी एक जाड़ी होती है, उसके पीछे वो उसको ले जाता है। देयर ही शोड हर अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अ मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सेंट। वहां वो उसको एक स्मॉल किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखाता है। वो किटन एक कोकोनट शेल के अंदर, कोकोनट शेल के अंदर रखे दूध को पी रहा होता है। और ये जो कोकोनट शेल होता है, ये फटे हुए फुटबॉल के अंदर रखा हुआ होता है और उसके अंदर मिट्टी भरी हुई होती है, ताकि जो मिल्क है वो, मिल्क का जो बाउल है वो आराम से उस फुटबॉल के अंदर सेट हो जाए। We found it outside the gate this morning. It kept mewing and mewing, poor creature, said Meena. Meena कहती है कि हमें ये जो किटन है
वो आज सुबह गेट के बाहर मिली है और वो लगातार म्यूइंग कर रही थी। म्यूइंग मीन्स जो किटन, स्मॉल किटन होती है, वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं म्यूइंग। इट्स सीक्रेट अम्मा सेज, इट्स सीक्रेट अम्मा सेज पार्टी विल नॉट स्टे एट हाउस इफ शी नोज वी हैव ब्रॉट अ कैट। यह एक सीक्रेट है, अम्मा ने कहा है कि पार्टी हमें घर में नहीं रहने देगी अगर उन्हें ये पता चला कि हम एक कैट घर में लाए हैं। वी आर ऑलवेज एडवाइज बाय द एल्डर्स टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे शाउट एट अस। हमें हमेशा हमारे बड़े ये समझाते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमें, हम पर चिल्लाते हैं, हमें डांटते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सैड रवि। रवि कहता है ओ ये जो गंदा सा जानवर है इसको यहाँ पर नहीं, मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज टू अरेंज अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? पार्टी स्पॉटेड मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। क्या तुम्हें पता है कि इस छोटे से किटन के लिए किचन में से मिल्क अरेंज करना, थोड़ा सा मिल्क अरेंज करना कितना मुश्किलों भरा होता है? अभी पार्टी ने मुझे, जब मैं किटन के लिए दूध ला रही थी, तो मुझे देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी स्टेयर्ड मी, आई टुक मोस्ट ऑफ इट टू अश्योर हर दैट आई एक्चुअली वॉज हंग्री। जब उन्होंने मुझे हाथ में ग्लास का मिल्क लिए, मिल्क का ग्लास लिए हुए देख लिया था, तब मैंने उन्हें कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे इसे पीना है, लेकिन वो मुझे ऐसे घूर कर देख रहे थे जैसे उन्हें शक हो रहा हो, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी उन्हें विश्वास दिलाने में कि मुझे सच में भूख लगी है। देन शी डिमांडेड अ टम्बलर बैक। उन्होंने बाद में ये डिमांड करी कि वो जो टम्बलर, जो ग्लास है जिसके अंदर मैं मिल्क भर के लाई हूँ, वो मैं वापस ले आऊँ। पार्टी पार्टी आई क्लीन इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। जब उन्होंने वापस ग्लास की डिमांड करी तो मैंने उनसे बोला कि मैं इसे, इस ग्लास को खुद ही साफ कर दूंगी, और इसके लिए, इस छोटे से काम के लिए मैं आपको तकलीफ क्यों दूं। आई रैन एंड पोर्ड द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल एंड देन रश्ड बैक एंड वॉश्ड द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर इट कुड स्मेल अ रैट। वो जल्दी से दौड़ के गई, उसने वो जो मिल्क था उस टम्बलर के अंदर वो सारा किसमें डाल दिया, कोकोनट शेल के लिए, ताकि उस, वो मिल्क किसके लिए था? वो मिल्क उस स्मॉल किटन के लिए था जिसे वो छुपा कर, हाइड कर कर ले जा रही थी। उसने वो मिल्क उस शेल में डाला और फिर से वो जल्दी से दौड़ कर वापस आई, उस टम्बलर को वॉश किया और उसको अपनी जगह पर रख दिया। बिफोर इट कुड स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट मतलब यहाँ चूहे की स्मेल से मतलब नहीं है, स्मेल अ रैट मतलब वो ये चाहती थी कि कहीं उसकी जो पार्टी है उनको शक नहीं हो जाए। नाउ वी शुड थिंक ऑफ सम अदर वे टू अरेंज मिल्क फॉर महेंद्रन। अब हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन के लिए मिल्क अरेंज करने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मेदु वॉज सरप्राइज, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। महेंद्रन महेंद्रन, ये क्या ये किटी का नाम है? मृदु सरप्राइज हो गई उस नाम को सुन के, क्योंकि महेंद्रन जो नेम है ये एक रियल नेम है, किटी के नेम जैसा नहीं लगता है। एक्चुअली द फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, इफ यू लाइक यू मे कॉल इट एमपी पुनाई, इट बिलोंग्स टू अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। एक्चुअली उसका जो पूरा नाम है वो महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई है। अगर तुम देखोगे, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम क्या बुला सकते हो उसको, एमपी पुनाई शॉर्ट में। वो नाम बहुत बड़ा है ना, इसलिए उसको शॉर्ट में क्या बुला सकते हैं, एमपी पुनाई। ये कैट की बहुत ही जो अच्छी ब्रीड, ब्रीड मतलब अच्छी जो प्रजाति होती है उससे बिलोंग करती है। इस जस्ट लुक एट इट्स इट्स फर, इसके जो फर है उसके शरीर पे जो बाल होते हैं फर, उसको देखने के लिए बोलता है। ये फर कैसे हैं, लाइक लॉयंस मेन,
शेर के शरीर पर जैसे बाल होते हैं, लायन की बॉडी पर जैसे बाल होते हैं, इट्स लाइक दैट ओनली। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। रवि इस आंसर की तलाश में उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि एंशियंट पल्लव किंग्स जो थे, उनका जो एम्बलम था, एम्बलम मीन्स अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। हर एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप का एक स्पेशल पिक्चर होता है जो उसको डिनोट करता है। जैसे हमारी स्कूल का भी एक मोनोग्राम एक पिक्चर है, उसी तरह से एंशियंट पल्लव किंग का भी एक एम्बलम था जिसके अंदर उसके जो उसका जो पिक्चर था वो भी उसके जैसा ही दिखता था, उसके टी जैसा। मृदु, नेक्स्ट, मृदु गिगल्ड। गिगल्ड मीन्स अनकंट्रोल्ड लाफ्टर। जब हम किसी की बात सुन के बहुत जोर से बिन अनकंट्रोल्ड हंसी आती है हमें, तो वो क्या कहलाता है? ग्रिगल्ड। तो रवि की ये जो बात थी, ये उसकी जो कैट का नेम रखा था उसने, उसको सुन के मृदु को बहुत हंसी आती है। डू यू थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग। रवि जो है वो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कुछ। इट सीम्स यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हैव यू एवर बीन टू महाबलीपुरम? हैव यू? ही आस्क मिस्टीरियसली। रवि जो है वो मृदु से पूछता है, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल व्हेन आवर क्लास विजिटेड महाबलीपुरम, आई सॉ स्टैच्यू ऑफ हिज ताता 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 एसेट्रा एसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्र हियर हैज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट वेरी सेम प्रिमेबल कैट। वो ये बोलता है, रवि बोलता है कि जब हमारी मेरी क्लास के साथ मैं महाबलीपुरम गया था, वहां मैंने एक स्टैच्यू देखा था, और महेंद्रन जो है वो बिल्कुल वहां जो प्रिमीवल कैट है। प्रिमीवल कैट मींस एंशियंट, बहुत पुरानी जो कैट थी वहां की, उसके जैसे दिखता है। ऐसा लगता है कि ये जो कैट है ये उसी की वंशज है। अ नियर रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। ये जो कैट है ये कैसी लगती है? अगर साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये किसी लायन जो होता है, लायन इतना बड़ा होता है, उसके अगर कुछ रिलेटिव हो तो वो कैसे दिखेंगे? इस कैट जैसे। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन नरेटिंग, वॉकिंग राउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग अ ब्रांच अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग। रवि जो है वो उस बेरी बुश के चारों तरफ घूमता रहता है, उसकी ब्रांच जो है उसको ऊपर नीचे हिलाता रहता है, और अपनी जो स्टोरी है वो जो बात बता रहा है पल्लव डायनेस्टी के बारे में, उसके एम्बलम के बारे में, उसके लायन के बारे में, वो बताता चला जाता है। दिस कैट इज अ सक्सेसर ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, कैट्स वर वर्शिप्ड इन एंशियंट इजिप्ट। ये जो कैट है ये सक्सेसर है महाबलीपुरम की, जो ऋषि कैट थी उसकी। सक्सेसर मीन्स उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन वाले होते हैं वो। और अगर मैं तुम्हें रिमाइंड करूँ, तुम्हें बताऊँ, तो एंशियंट इजिप्ट के अंदर कैट्स की पूजा करी जाती है।